तो और मेरे प्यारे भाई लोग, क्या हाल चाल है गाइस? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, फुल मस्ती करेंगे। सो गाइस, दो दिन बाद यानी कि 26 तारीख को FFWS का ये इवो बंडल हमारे गेम के अंदर आने वाला है। एंड गेस व्हाट, हर बार की तरह आप लोग इस बार भी सोच रहे होंगे कि अगर मैं फेडेड विल से ये वाला बंडल यानी कि इवोल्यूशन बंडल निकाल लूंगा तो बाकी के जितने भी बंडल से वो सारे के सारे अनलॉक हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि जाननी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो यस गाइस, वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, याद से वीडियो को लाइक कर देना। एंड दो दिन बाद अपने गेम के अंदर आने वाला है, इसीलिए मैंने सोचा कि भाई पहले आप लोग को बता दूं कि क्या सीन रहने वाला है इस वाले इवोल्यूशन बंडल के पीछे। सो यस, लास्ट तक जरूर से देखना। सबसे पहले तो गाइस आपको सारी चीजें रिव्यू करके दिखा दूं। ये है लॉबी एनिमेशन, जब आप लोग किसी के ग्रुप में एंटर करोगे या फिर कोई आपका प्रोफाइल खोलेगा तो देखने को मिलेगा। फिर एक इमोट हमें देखने को मिल रहा है जो कि आप खुद कर पाओगे। एंड उसके बाद एक और इमोट हमें देखने को मिलेगा जो कि पूरे ग्रुप पे होगा, यानी अगर आप लोग करते हो तो पूरे के पूरे ग्रुप में भी ऐसा होगा। एंड साथ ही ये सारे के सारे इफेक्ट्स है, जब आप लोग मेडिकेट वगैरह मारोगे या फिर लैंड करोगे या फिर आप लॉबी वगैरह में खड़े रहोगे पहन करके या फिर जो भी हो, वो सारे के सारे इफेक्ट है, रनिंग इफेक्ट वगैरह। तो चलो अब मैं आप सभी को बताता हूँ कि क्या कुछ सीन रहने वाला है। तो देखो गाइस, जैसे हमारे गेम के अंदर ये वाला बंडल आएगा, आप लोग क्या करोगे कि फेडेड विल में जाओगे एंड वहां से ये वाला बंडल निकाल लोगे। डोंट मैटर आप लोग निकालते हो नहीं निकालते, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, बट आपको बताना है। जस्ट आप लोग यहां से निकालोगे, चलो मान लेते हैं निकाल लिया, ओके, मतलब जो भी डायमंड्स लगेंगे वो डायमंड्स खर्चे करके आप लोगों ने इसे निकाल लिया। एंड उसके बाद कस्टमाइज में आने के बाद जैसे ही आओगे तो सिर्फ आपका ये वाला पहला जो बंडल है वो अनलॉक होगा, कुछ इस तरीके से आप लोग देख लो। एंड बाकी के जो भी बंडल्स है उन सब को अनलॉक करने के लिए आपको कुछ टोकन्स की जरूरत पड़ेगी। यस गाइस, देखो आपको ये चार बंडल्स एंड चारों इफेक्ट, इन सब के लिए आपको टोकन्स की जरूरत पड़ेगी। एंड बचे हुए इमोट्स एंड एनिमेशन है उनके लिए आपको टोकन्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई टोकन्स कहां से मिलेंगे ताकि हम सारे के सारे बंडल्स को अनलॉक कर पाए एंड जितने भी इफेक्ट्स वगैरह है उन सबको अनलॉक कर पाए। सो यस, उसके लिए आपको क्या करना है वो भी मैं आप सभी को बताता हूँ। जस्ट यहां से आपको कट करना पड़ेगा एंड स्टोर में जाना पड़ेगा। एंड उसके बाद आइटम में जाने के बाद आपको कुछ इस टाइप से टोकन देखने को मिल जाएगा जो कि आपको डायमंड्स खर्चे करके परचेज करने पड़ेंगे। यस गाइस, आपको पर बंडल अनलॉक करने के लिए लगभग 100-150 ऐसे टोकन्स की जरूरत पड़ेगी। सो यस, जो भी चीजें थी मैंने इसीलिए आप सभी को पहले ही बता दिया ताकि सब चीज आपको पहले से पता रहे। एंड यस गाइस, आप लोग देखना जैसे ही हमारा ये वाला इवो बंडल आएगा ना, वैसे ही स्टोर के अंदर आपको वो वाला टोकन देखने को मिल जाएगा। 26 तारीख को आप लोग देख लेना, ओके, जो भी बंदे हो ना निकालने के लिए वो आप लोग 26 तारीख को देख लेना। बाकी जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें तो एकदम मस्त मस्त हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि ये वाला इवो बंडल आप लोग निकालने वाले हो या फिर नहीं निकालने वाले हो। एंड जो भी चीजें बच जाती है वो सारी की सारी चीजें अपने सर्वर में इवेंट आने के बाद बता दूंगा, ओके। तो चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।